अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। समाजवादी पार्टी व रालोद गठबंधन प्रत्याशी अतुल प्रधान ने सरधना विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद अतुल प्रधान ने कहा कि इस चुनाव में प्रदेश से भाजपा का सफाया निश्चित है। जो सरधना में हुआ वह पूरे देश में हुआ है। जमीनों पर कब्जे, स्लॉटर हाउस में हिस्सेदारी, भ्रष्टाचार में लिप्तता, तानाशाही चली है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। जनता इनसे हिसाब लेगी। देखिए क्या कहा अतुल प्रधान ने। पहला गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी का जनता से है, जनता से कमिटमेंट है। जो समाजवादी पार्टी ने पूर्व की सरकार में वादे किए वो अपनी सरकार में पूरे किए। आज इस समय पर जहां पश्चिम में आरएलडी के साथ गठबंधन किए हुए, वहीं छोटे छोटे दलों से, पार्टियों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। और मैं देख रहा हूं कि लोगों में उत्साह है, और उत्साह है इस चीज़ का कि जो इन लोगों ने गलत किया उनको वोट डालने का मौका मिल रहा है 10 फरवरी को। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी तरीके से भाजपा का सफाया इस उत्तर प्रदेश से होने जा रहा है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप लगातार घूमते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, वो भी इतने दिनों से विधायक हैं। जनता मूल्यांकन करेगी उनके 10 साल का और हमारे विपक्ष में रहकर घूम घूम कर काम करने के 10 साल का। जो मूल्यांकन होगा वो हम लोगों को स्वीकार होगा। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जिस तरह सरधना में हुआ और सरधना के साथ साथ पूरे प्रदेश में हुआ, ये किसी छुपा नहीं है। क्योंकि मैं सरधना से चुनाव लड़ता हूँ और वो भी लड़ते हैं, वहाँ से 2 बार जीते हैं, इसलिए मुझे सब चीज़ें वहाँ की पता हैं। ज़मीनों पर कब्जे, सलेटर हाउस में उनकी हिस्सेदारी, तमाम ऐसे काम जिसमें वो लोग इन्वॉल्व रहे, भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, और किस तरह थाने में, तहसील में तानाशाही हुई, फर्जी मुकदमे लोगों पर लाद दिए गए। आप सोच के देखिए, हमारे पूर्व के विधायक अभी हमारे साथ थे, चुनाव लड़ाए उनको चंदवी जी ने, और उन्हीं के परिवार पर, उनके खुद के ऊपर, उनके पूरे परिवार पर मुकदमे लगवा दिए इस विधायक ने। और ऐसी तानाशाही चली पूरे के पूरे 5 साल, लेकिन हम सड़कों पर लड़ते रहे। कोरोना के पूरे समय में समाजवादी पार्टी के लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर लोगों का सहयोग किया, लोगों के साथ खड़े रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 10 तारीख को जनता इन तानाशाहियों से, भ्रष्टाचारियों से हर चीज़ का हिसाब लेगी। और ये राष्ट्रद्रोही अगर कोई असली है, राष्ट्र को ख़त्म करना कोई को चाहता है, इस देश की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। देखिए प्रधानमंत्री जी की रैली जनता की रैली नहीं थी, ये सरकारी रैली थी। गाँव के आंगनवाड़ी आशाएँ, कायत्रियाँ, सफाई कर्मचारी, गाँव के प्रधान, स्कूल के टीचर, आपके यहाँ तक की जिम्मेदारी दे रखी थी। गांव के प्रधानों को धमकाया जा रहा था, डांटा जा रहा था उनको कि आपको भीड़ लेकर आनी है। प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हुआ, अरे आपको किसने मना किया था जो ये यूनिवर्सिटी के लिए आप आए, अरे 5 साल पहले करते उसको पूरा कर लेते काम को। 22 करोड़ रुपए के लगभग उनके इस प्रोग्राम में खर्च हुआ, लेकिन जनता को क्या मिला? जनता को ठेंगा, कुछ भी नहीं। वहीं उसके बराबर में एक दादरी गांव है, इनके काम का नमूना बताता हूं आपको। गर्ल्स पीजी कॉलेज हम लोगों ने उसकी शुरुआत की थी, पैसे आवंटित कर देते, जैसे ही ये सरकार आई ये उस स्कूल का काम रुकवा दिए। हर जगह जहां जहां घूम घूम कर देखेंगे, इन्होंने झूठ के अलावा जनता कुछ नहीं दिया। महंगाई और भ्रष्टाचार, क्या हाल है महंगाई का, क्या हाल है रोजगार का, क्या हाल है किसानों का? और यहाँ पर किसानों का आंदोलन जो हुआ, और ये जो इस समय की चीज़ें चल रही हैं, आप सब लोग समझ के देख सकते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, आप लोगों को भी अगर आपने कहीं सच दिखाने की कोशिश की, आप लोगों के ऊपर भी सरकार ने मुकदमे ला दे। और कई जगह ऐसी घटनाएं सामने आई जहाँ पत्रकारों को भी मार दिया गया। तो जनता देख रही है उन्नाव का कुलदीप सेंगर कांड, चिमियानंद, गोरखपुर का वो हमारे व्यापारी जिसको पुलिस ने पीट पीट कर मार दिया, ये फेक इनकाउंटर। सबसे ज़्यादा अगर कस्टोडियल मौत कहीं पे हुई है तो इसी सरकार में हुई। सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स ने अगर किसी को, कमीशन ने किसी को नोटिस दिए तो इसी बीजेपी को दिए हैं। आने वाले समय पर आप देखिएगा उन सब की जांचें होती नजर आएंगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट। नमस्कार।